इधर अजमेर में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह सैटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती दो गर्भवती महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है थी, जिसके बाद सात नए मरीज और सामने आए हैं। ऐसे में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 196 तक पहुंच चुका है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि सात पॉजिटिव मरीजों में तीन नसीराबाद के, दो मरीज होलीदड़ा के, एक बाबू मोहल्ला का और एक युवक गेगल का है। साथ ही जेएलएन हॉस्पिटल में जयपुर के फुलेरा का केस भी पॉजिटिव निकला है। इसके बाद इस मरीज का इलाज जारी है। सुबह के बाद अभी तक सात पॉजिटिव केसेस हमारे पॉजिटिव आए हैं, उसमें से तीन नसीराबाद के हैं, तीन हमारे जो चेतन प्रकाश के हैं उनके कॉन्टेक्ट हैं, और ये भी जो बच्ची पॉजिटिव आई थी उसके कॉन्टेक्ट हैं। एक कोई गेगल में जो मजदूर बाहर से रह रहा था उसको कोई प्रॉब्लम थी, उसकी जांच कराई, वो पॉजिटिव है। स्क्रीनिंग दोनों तीनों एरिया में की जा रही है और लगातार की जा रही है। टीम कंटेनमेंट जोन में जा रही है, बफर वन जोन में जा रही है, डेली सैम्पलिंग भी हो रही है। हमने लगभग 400 प्लस सैंपल्स लिए हैं और सैंपल्स का दायरा भी बढ़ा है, जाँचों का दायरा भी बढ़ा है। सब जयपुर नगर निगम के सिविल डिफेंस के कर्मचारी